दोस्तों, अगर आपको अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें आपको अजिंक्य रहाणे विलेन लगते हैं या फिर हीरो अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन में ही अजिंक्य रहाणे की किस्मत पूरी तरीके से चेंज हो गई। कुछ दिन पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जब उन्होंने विराट कोहली को रनआउट करवाया था, तब वो पूरे देश की गालियां झेल रहे थे और टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी नाराज दिख रहा था, क्योंकि विराट कोहली शानदार तरीके से खेल रहे थे और विराट कोहली को उन्होंने गलत कॉल की और उन्हें रनआउट करा दिया। उसके बाद भारतीय टीम का पूरा मैच से फोकस ही हट गया और भारतीय टीम दूसरी पारी में तो महज 36 रन पर ऑल आउट होकर एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बाद विराट कोहली अपने घर लौट गए और अजिंक्य रहाणे ने जो किया वो लाजवाब था। दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिली और कप्तानी करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ शानदार कप्तानी की बल्कि दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में शानदार शतक भी ठोक दिया और टीम इंडिया को एक 8 विकेट की बड़ी जीत दिलाकर सभी की वाहवाही लूट ली। जहां अजिंक्य रहाणे को कुछ दिन पहले गालियां पड़ रही थी और अब उनके लिए पूरे देश में जमकर तालियां बज रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई भी सीनियर खिलाड़ी ना होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया पीटना वाकई में लाजवाब है। इसके लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे की जमकर तारीफ होनी चाहिए और पूरा देश अजिंक्य रहाणे की जमकर तारीफ भी कर रहा है। आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे गालियों के हकदार हैं या फिर तालियों के? हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय विलेन या हीरो के तौर पर अजिंक्य रहाणे में बताना ना भूलें। और हाँ, आपको भारतीय टीम की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।